आई एम सो सॉरी मानू, आपका शादी का ड्रेस मैंने खराब। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप और अबू कैसे हैं? बेटा यहाँ सब ठीक है। तुम्हारे अबू नाश्ते का पूछ रहे थे। हमने सोचा नाश्ता लेकर जाने से पहले पूछ ले कि नाश्ता लेकर आए या ना। कल सबके मुंह उतरे हुए थे ना। बहुत अच्छा किया आपने आंटी फोन कर दिया। अरे बेटा अबरार, तुम कैसे हो? आंटी मैं और मानू आपकी तरफ आ रहे नाश्ता करने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। लेकिन बेटा वो सफिया बहन, अम्मी की फिक्र ना करें आप, बस नाश्ते की तैयारी। मानो और अबरार यही नाश्ता करने आ रहे हैं। अच्छा, समेटे जल्दी से। हाँ चले। आंटी को बुरा लगेगा अबरार। उन्हें वैसे भी कौन सी कोई चीज अच्छी लगती है। फिर मैं रेडियो का। नसरीन, नसरीन। जी बेगम साहिबा। नसरीन, वो अबरार और मानू को बुला नाश्ते के लिए। मैं मानूर के साथ जा रहा हूँ उसके घर नाश्ता करने। क्यों? रस्म तो ये होती है कि दुल्हन वाले दूल्हा के घर आते हैं नाश्ता लेकर। ये नहीं होता कि दूल्हा जाए वहाँ नाश्ता करने के लिए। रस्में बनाने वाले भी हम हैं और उन रस्मों को बदलने वाले भी हम। अच्छा है ना, कुछ चेंज होना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ ना अम्मी? आप नाश्ता एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। चले। बेगम साहिबा, नाश्ता तो हाथ में। नहीं करना मुझे नाश्ता। वकार ही तो बहुत ही ज्यादा अपनी मनमानियां करने लगा है। कुछ नहीं, बस जानबूझ के हमें टीज कर रहा है और कोई बात नहीं है। अगर छोटा बच्चा होता ना तो डांट टपट के सीधा कर देता उसको। ये तो मसला है ना बेटा, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है। इतना बड़ा कि समझता है माँ और बड़ा भाई उससे छोटे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ अबरार से। नहीं, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ किस हद तक जाता है ये। तुमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की थी उसकी खुशी को फीका करने की, लेकिन कोई खास फायदा तो नहीं हुआ। बल्कि उसकी फीकी खुशी में अबरार ने प्यार के रंग भर दिए होंगे और तुम बेचारी यहां अकेली रह गई। ये अकेलापन ना वक्ती तौर पर है भाभी। तुम्हारे दावों के गुब्बारों में से अभी तक हवा नहीं निकली। नहीं, मेरा प्यार और अबरार को पाने का जुनून अभी भी पहले की तरह ही है। फिर तो तुम्हें रिफत खाला के पास जाना चाहिए। क्यों रानिया? वो बड़े असर वाले तावीज देती हैं। तुम्हें पता है मेरे बहुत सारे काम उनकी तावीजों की वजह से हो गए। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। नेकी और पूछ अबरार को पाने के लिए तो मैं कोई तरीका ना छोड़ू, चाहे वो ताबीज ही हो। तो ठीक है ना, फिर अभी चलते हैं। आंटी से डॉक्टर का बहाना कर देते हैं
और लगे हाथों इस प्लास्टर से भी मेरी जान छूट जाएगी। अब्रार, मुझे जरा एक दो काम है, मैं तुम्हें वापसी में पिक कर लूंगा। वो अम्मी को बुरा लगेगा मेरा यहाँ रुकना। तुम जाते हुए मुझे घर छोड़ दो, वैसे भी उनका मूड अच्छा नहीं है आज। उनका मूड आजकल ऑफ ही रहता है, पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी सवार कर ली उन्होंने। और अम्मी के दिल में एक बार किसी के लिए भी बुराई आ जाए ना तो वो खत्म नहीं होती, इसलिए तुम परेशान होना छोड़ दो। रिश्तों में इतना रूड नहीं होना चाहिए। तुमने वो मुहावरा सुना है, इंसान जो बोता है वही काटता है। क्या हो गया तुम्हें, इतना बिटर होना ठीक नहीं है। देखो मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता, बस इतना कहूंगा कि जो चल रहा है जैसे चल रहा है चल रहा है। वैसे भी मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता हूँ, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला। माँ जबीन कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, माँ जबी भी बहुत खुश है और ठीक है। अंदर आओ बेटा। अरे नहीं नहीं खाला, आज थोड़ा जल्दी में फिर सुकून से आएंगे। नहीं बुरा लगता है बाहर खड़े होके बात करना, आ जाओ। अरे ये तुम्हारी सास की नंद की बेटी है ना रानिया? हाँ, आपकी याददाश्त तो बड़ी अच्छी है खाला। अच्छा खैर ये बताओ मामला क्या है, किस चीज के लिए तावीज चाहिए तुम्हें? मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं चाहती हूँ वो भी मेरा दीवाना, इतना दीवाना कि उसे मेरे सिवा कुछ नजर ही ना आए। तुम फिक्र ही मत करो, देखना रिफत साला ऐसा तावीज देंगे कि तुम्हारा काम हो जाएगा। सही कह रही है, ये समझो कि तुम्हारा काम हो, वो तुम्हारा दीवाना हो जाए। नीनू, हम्म, तुम्हें भाभी अपनी दोस्त के घर लेकर गई थी तावीज के लिए। हाँ लेकिन अब तुम ये बात क्यों पूछ रहे? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब्रार इस बात का कोई फायदा नहीं था, जो हो गया सो हो गया। जो हुआ सो हुआ नीनू, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच्चाई पर से पर्दा हटा दिया जाए। रहने दो अब्रार, पहले ही बहुत मसाइल है, ये बात करके नया इशू मत क्रिएट कर दे। मैं कोई इशू क्रिएट नहीं कर रहा नीनू, बल्कि पुराने मसलों को हल कर। भाभी की वजह से तुम भाईजान और अम्मी के सामने बुरी बनी, अब वक्त आ गया उन्हें बताने का कि इस गंद में उनकी अपनी बीवी शामिल है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना, तो तुम्हें क्या लगता है तुम जो भी कहोगे भाईजान मान लेंगे? कभी नहीं, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर। नहीं, अब मैं खामोश नहीं रह सकता, मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, लेकिन वक्त आने।
हाँ बस क्या बताऊँ, बस मिलेंगे तो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। खुदा हाफिज़। क्या बात है, जब से तुम्हारी शादी हुई है घर से माँ से सबसे बिल्कुल लातालुक हो गए। कुछ से आप लातालुक हो गई हैं और आपसे मैं, क्या फर्क पड़ता है? बस करो अबार। नहीं नहीं बोलने दो उसे, कह रहे तो जो कुछ इसके दिल में है, पता तो चले कितना जहर भरा हुआ इसके दिल में माँ और भाई के खिलाफ। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आपके फैसलों के खिलाफ हूँ। जिन पर आपको बड़ा भरोसा है ना, कल को जब वो भरोसा टूटेगा तो आप पछताएंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई फायदा नहीं तुम्हें बताने का, क्योंकि तुम्हें मेरे बजाय अपनी बहन पर भरोसा है ना। सो इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं, और बेहतर होगा कि अब तुम इस मामले में ना पड़ो। मैंने खुद सुना, जैसे भाभी नीनू को लेकर गई थी वैसे नारानिया के साथ भी थी वो आज। तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो अब्रार? नीनू ठीक कह रही है अब्रार, तुम बिला वजह सारी तोपों का रुख अपनी तरफ कर रहे हो। तो फिर क्या डिसाइड हुआ तुम तीनों के बीच? क्या मतलब? मतलब तो तुम बताओ ना, जो नेहा की बातों में आकर अपने घर का सुकून बर्बाद करने पर तुले हो। ऐसा कुछ नहीं है भाईजान। ऐसा ही है, वरना इस वक्त यहां पर बैठकर क्या कर रहे हो तुम लोग? यकीनन मुल्क के हालात और मौसम के ऊपर तबसरा तो नहीं कर रहे होगे। और तुम तो समझदार हो, बजाय इन लोगों के समझाने के खुद भी इस मेस में पड़ रहे हो। मजीद मेस ना फैले यही समझा रहे हैं इसे। जो तुम बोल रहे हो बात वही है, लेकिन यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा। भाईजान जब दिल में शक पैदा हो जाए ना तो यकीन आप भी नहीं सकते। ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी, ये जिंदगी हाँ ढूंढता जो प्यार। बदगुमानी में इतना भी आगे मत निकल जाइए भाईजान कि जब वापस लौटे तो नजरें मिलाना मुश्किल हो जाए। हर खुशी क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है सारे रूखे रिश्ते, झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। चाय। थैंक यू। तुम कुछ दिन ऑफ नहीं ले सकते? कुछ काम है, उन्हें करना जरूरी है। इतने भी कौन से जरूरी काम है? तुम्हारी बहन के चेहरे पर बड़ा मासूमियत का नकाब उतारना है, जिसके लिए मुझे रानिया से क्लोज होना पड़ेगा, उसका एतमाद जीतना होगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, तुम शाम में तैयार रहना, डिनर पे चलेंगे।
ठीक है, अपना ख्याल रखना, मिस करोगी ना मुझे? हाँ चलो जाओ भी। सुनो, तुम अपना फोन भूल गए हो। जाओ जाओ, बाय। What a pleasant surprise. मुझे तो लगा जनाब अपनी हनीमून की प्लानिंग कर रहे होंगे। वो भी प्लान हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ जरूरी काम है, वो तो कर लो। ठीक है। Okay, you carry on. मैंने बहुत पढ़ाई की है, इसको बारीक पीस दिया है, इसको किसी भी चीज में घोल के पिला देना। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? वो शरबत ये चाय तो पीता है ना, है ना? तो बस शरबत या चाय जो भी दो ना इसको, उसमें ये डाल के घोल के पिला देना, फिर तुम याद करोगी कि रफत खाला ने कैसा तावीज दिया था। दुआएं दोगी? क्या करें, एक काम अधूरा रह गया था, उसी को पूरा करने के लिए आया हूं। खड़ी क्यों, बैठ जाओ। हाँ बशीर भाई, चाय क्यों ले आए? वो मैंने मंगवाई है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पी है, तो सोचा आपके लिए भी भिजवा दूं। आप इधर ही रख दें, मैं ये ले। थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो। मान गई आपकी खाला को भाभी, चाय पीते ही उन पे असर होने लगा, प्यार भरी नजरों से मुझे देख रहे थे, मैं क्या बताऊँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी कोशिशें बंद कर दो। जाहिर सी बात है। अच्छा सुने भाभी, आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चलो, ओके ओके। तुमसे एक फेवर चाहिए। ठीक है ये। मैं शहीद ग्रुप्स के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ फिर से, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसमें असिस्ट करो। जी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं तो। गुड, नाजिस से सारी डिटेल्स ले लो मेरी प्रीवियस वर्किंग की, और मेरे रूम में आ जाओ, प्लान डिस्कस करते हैं। ओके। गुड। या।
तुम्हारी कोई बात हुई अब्रार से? नहीं, उसने कुछ बोलने ही नहीं दिया, पहले ही चुप करवा दिया। मानो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसको देखकर मुझे डर लगने लगा है। कहीं अब्रार की वजह से तुम भी मुझसे ना बदल जाओ। तुम्हें पता है ना, माइयों की रस्म का आइडिया मैंने ही दिया था नेहा को, और वो घर से शॉपिंग का कहकर निकली थी। तुमने भी नहीं बताया मुझे, बताते थी तो मैं शरीक ही हो जाती ना। देखो आफरीन, मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया, वो अचानक, मानो प्लीज, अचानक नहीं था, सब कुछ प्लान था। इसीलिए तो मिशा को भी उसके घर से पिक करके गई थी। अटेंशन सीकर है वो, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब्रार, मिशा, इकरार, पूरी तरह से सब उसकी बातों के असर में। तुम बेफिक्र रहो, नेहा की बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। इनकी डेनिम मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड फेमस है, तो जब हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसमें बहुत जरूरी है कि वो सारे तुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। थोड़े दिन और रेस्ट कर लेते, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी ऑफिस? कर लूंगा ऑफ भाईजान, जब जरूरत पड़ेगी। आपको पता है बकार भाई, आज से मैं अब्रार को असिस्ट कर रही हूं। ओह अच्छा अच्छा, आज से तुम अब्रार को असिस्ट कर रही हो। एक काम करो, जरा मेरे केबिन में जाओ, वहां शहरयार नकवी की फाइल पड़ी होगी, वो ले आओ जल्दी से। जी ठीक है। आपको असिस्टेंट की जरूरत कब से पड़ गई? आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है, मर्जी है तुम्हारी। शही ग्रुप को फॉलोअप में लिया तुमने? भाईजान, शही ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की डिटेल्स फिर से निकाली है, पहले काम अधूरा रह गया था तो अब उसे पूरा करूंगा। चलो जरा ख्याल रखना, बहुत पुराने क्लाइंट है हमारे, किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। जी भाईजान, आप फिक्र ही मत करें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। गुड लक। मानो प्लीज, अचानक नहीं था, सब कुछ प्लान था। इसीलिए तो मिशा को भी उसके घर से पिक करके गई थी। अटेंशन सीकर है वो, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब्रार, मिशा, इकरार, पूरी तरह से सब उसकी बातों के असर में। हाँ नहीं, बस ऐसे ही बिजी हूँ आजकल, कोई नहीं मसला। हाँ मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरे मानू, तुम कब आई? सॉरी मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई ना, एग्ज़ाम्स की बहुत टेंशन है। एक दफ़ा एग्ज़ाम्स मेरे ख़त्म हो जाएं, फिर तुम्हारी और अब्रार की बहुत अच्छी दावत करूँगी मैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी दावत की। आपके कई रिश्ते होंगे अब्रार के साथ, लेकिन मुझे आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। माइयों और शादी के बीच में तो सब ठीक था, फिर अचानक। मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना, जो आपको समझ नहीं सकी। मेरी माइयों पे मेरी बहन को शरीक ना करना, अब्रार को अलग थलग करके माइयों की रस्म के लिए ले जाना, मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना, जो आपकी चलाकियाँ ही नहीं समझ सकी। क्या चलाकियाँ, क्या बात कर रही हो, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। ओह तो आप इतनी मासूम है कि आपको मेरी बातें ही समझ में नहीं आ रही। चलें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप दरअसल इस घर पे अपना हुक्म चलाना चाहती हैं, और जब वो नहीं हुआ तो अब्रार को अम्मी और बकार भाई के खिलाफ कर दिया। वो कितना भरोसा करता है ना आप पर, लेकिन आप उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं।
आपको अपनी हरकतों पे कभी गिल्ट महसूस नहीं हुआ? ये तो आंटी हैं जो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने आपको अपने घर में रखने की इजाजत दी है। उनकी जगह मैं होती ना तो। मानू, तुम्हें कहा था कि इससे दूर रहना। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मैं नीनू के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा, और तुम चंद दिन नहीं हुए तुम्हें इस घर में आए हुए और तुम इसे घर से बाहर निकालोगी? अब्रार, कूल डाउन। तुम दोनों मेरी वजह से लड़ तुम्हारी वजह से नहीं नीनू, इसकी गलत सोच की वजह से इसके खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और ये तब तब होगा जब जब ये तुम्हारे खिलाफ बोलेगी। नेहा के अलावा तुम्हें कोई और नजर नहीं आता? ना तुम्हें तुम्हारी अम्मी नजर आती, ना तुम्हें तुम्हारे भाई की परेशानी नजर आती है, और मैं तो किसी गिनती में नहीं आती ना अब्रार। तुम अगर ये चाहती हो कि बाकी सब की तरह मैं इससे रिश्ता तोड़ दूं तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये सोच है सिर्फ तुम्हारी। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। जरूरत थी नीनू, आज टोका है इसलिए कि आइंदा मेरे सामने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचे। न जाने ये सिलसिला कब खत्म होगा, मैं बहुत परेशान हो गई। क्या हुआ महानूर, क्यों रो रही हो? नेहा के सामने अब्रार ने मेरी इंसल्ट कर दी। मैं उसे ये बताने गई थी, बल्कि वॉर्न करने गई थी कि तुम अकेली नहीं हो, लेकिन उन दोनों के सामने मैं ही अकेली पड़ गई। मुझे समझ नहीं आता कि वो नेहा कितनी साइड क्यों लेता है। दोनों एक दूसरे का साया बने फिरते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि दोस्ती के पीछे कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं। नहीं अब्रार, ऐसा नहीं है। अब्रार ऐसा ही है, बिल्कुल दिल फेंक टाइप है। तुम्हें पता है उसने रानिया को ऑफिस में असिस्टेंट रख लिया है, हालांकि असिस्टेंट की कोई जरूरत भी नहीं थी, और रानिया तो उस नौकरी के लिए बिल्कुल सूटेबल भी नहीं है। वो तो वकार ने उसे सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से रख लिया है ऑफिस में, वरना उनको भी पता है कि उसको आता जाता कुछ नहीं है। अब तुम ही पूछो ना अब्रार से, उसने ऐसा क्यों किया है। ठीक नहीं कर रही हैं जी। जानती हैं आप मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या किया है? वो हो रानिया किचन में है, क्या बना रही हो? मीठा बना है मॉम। किस खुशी में? आपको पता तो है असिस्टेंट बना लिया उन्होंने मुझे अपना। कैसे कैसे काया पलट हुई अब्रार की? इधर उनकी चाय में तावीज घोल कर पिलाया, और उधर अब्रार मेरे पास आने के बहाने ढूंढना शुरू हो गए। अब तो खुश हो जाए। मैं नहीं मानती इन तावीजों को। अब्रार मुझसे शादी करेंगे तब तो मानेंगी ना। आज असिस्टेंट बनाया, कल को बीवी भी बना लेंगे। रानिया इतना आगे का मत सोचो। नहीं खुदा ना खास्ता ऐसा वैसा नहीं हुआ तो तुम अपने आप को कैसे संभालोगी? प्लीज मॉम, ये उल्टी सीधी बात मत किया करें। मुझे यकीन है कि अब्रार सिर्फ मेरे ही होंगे।
रानिया को असिस्टेंट रखने की वजह पूछ सकती हूँ मैं तुमसे? अच्छा, तो भाईजान ने भाभी को बता दिया और भाभी ने फौरन तुम्हारे कान भर दिए। कमाल है, बहुत ही तेज नेटवर्क है तुम तक न्यूज पहुंचाने का। बात को घुमाओ मत, जो पूछे मुझे उसका जवाब दो। तुमने रानिया को असिस्टेंट क्यों रखा है? बिहेव योरसेल्फ। मुझे इस तरह का लबो लहजा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरा लहजा तुम्हें तकलीफ दे रहा है और तुम्हारी अपनी हरकतों का क्या, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है? ऐसी क्या तकलीफ पहुंचा दी मैंने तुम्हें? एक बात मेरी गौर से सुन लो महानूर, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि भाभी की बातों में आना बंद करो। क्यों ना सुनो, मैं उसकी बात, बहन है वो मेरी। महानूर, अपने बात करने के अंदाज पर गौर करो। प्यार करता हूं तुमसे तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो मुंह में आएगा कह दोगी और मैं बर्दाश्त कर लूंगा। रही बात रानिया की, तो जो मुझे बेहतर लगेगा मैं करूंगा। आज के बाद ऑफिस के मामला में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हेलो, कैसी हैं आप सफिया बहन? जी अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाइए। सुनाना क्या है, बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी थी। इस इतवार को आपकी पूरी फैमिली की हम लोग दावत करना चाह रहे हैं। मेरी तरफ से तो माजरत ही समझो साना, बच्चे आ जाएंगे। क्यों, आप क्यों नहीं आएंगी? बस वो जरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलें ठीक है, फिर हम दावत बाद में कर लेंगे जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरी वजह से दावत ना टालो तुम, मैं वकार से कह दूंगी सब बच्चे आ जाएंगे ना। अल्लाह एक सेकेंड, मैं फोन चेक कर लूं मैंने रखा भी है या नहीं। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? लंच पे जा रहे हैं भाई साहब। तुम शायद भूल रहे हो, आधे घंटे के बाद मीटिंग थी हमारी, बहुत इम्पोर्टेंट। नहीं, मुझे याद है, मैं आ जाऊंगा उस वक्त तक, और अगर लेट भी हो गया तो आप अटेंड कर लीजिएगा। रानिया तुम जाओ, ये आ रहा है। अबरार, तुम्हारी हरकतें मेरे समझ से बिल्कुल बाहर होती चली जा रही हैं। अब क्या कर दिया मैंने? घर में तुम्हारी बीवी बैठी है, बजाय इसके कि तुम उसके साथ लंच या डिनर प्लान करो, रानिया से इतना क्लोज क्यों हो रहे हो तुम? उसे कुछ आता जाता है नहीं, फिर मुसलसल उसको अपने साथ रखने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है भाईजान, आप अपने काम पर फोकस करें। ये किन चक्रों में लगा दिया तुमने रानिया को? मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या वाकई अबरार का दिल रानिया की तरफ माइल हो रहा? जब तक तुम डिसाइड करो तुमने क्या ऑर्डर करना है। आई विल बी बैक इन अ मिनट। ओके। हेलो, ये वकार भाई से लड़ झगड़ कर मुझे यहाँ लंच पे लेकर आए। तुम तो बड़ी तेजी से अबरार के दिल में जगह बना रही हो, अगर इसी रफ्तार से चलती रही ना तो बहुत जल्द अबरार सिर्फ तुम्हारा होगा। इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे भाभी। अच्छा ये बताओ कि तुमने महानूर को तस्वीरें सेंड की? नहीं, अभी तो आए हम,
अभी अब्रार को आने थे, फिर साथ पिक्चर लेके सेंड कर दूंगी, तब मजा आएगा ना। अच्छा सुने भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके चलो। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बता रही थी कि लंच पे बहुत खुश है, मानती है ना? साजिश ये दुनिया मेरी, साजिश मेरी है आदत बनी।